16 साल बाद वाराणसी में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में गाजियाबाद जिला एवं सत्र अदालत ने दोषी वली उल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में आतंकी वली उल्लाह उर्फ टुंडा पहले से ही दोषी करार दिया जा चुका था। वली उल्लाह उर्फ टुंडा इस समय गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है। उसके खिलाफ 6 मुकदमे चल रहे थे, जिनमें से 4 में उसे दोषी करार दिया जा चुका है। सोमवार को अदालत ने एक मामले में उसे आजीवन कारावास तो वहीं दूसरे मामले में सजाए मौत का फैसला सुनाया। गवाहों ने जो बयान दिए थे वो बड़े हृदय विदारक थे, हृदय को हिला देने वाले, कपा देने वाले थे। किसी का हाथ अलग पड़ा था, किसी का पैर अलग पड़ा था। ये जो धमाका था इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में भी कंपन आ गया। इस घटना में एक 1.25 साल की बच्ची की भी जान गई थी। इससे स्पष्ट है कि इस घटना के तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी जुड़े हुए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप इस जिहादी घटना को अंजाम दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त वलीउल्लाह मानवीय संवेदनाहीन व्यक्ति है और ये किसी भी प्रकार की दया का पात्र नहीं है। इसे विरल, ये घटना जो की गई है ये विरलतम से विरलतम श्रेणी की है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए इसे मृत्यु दंड की सजा दी जाए। 16 साल बाद मिला इंसाफ। 16 साल पहले 7 मार्च 2006 को वाराणसी में संकट मोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर धमाके हुए थे। सीरियल ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसी शाम को दशाश्वमेघ घाट पर भी विस्फोटक बरामद हुए थे। पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर गांव निवासी वली उल्लाह को लखनऊ के गोसाईगंज इलाके से गिरफ्तार किया था। संकट मोचक मंदिर एक भीड़भाड़ वाला स्थान है। देश विदेश से बहुत सारे तीर्थयात्री यहां आते हैं और मंदिर में हर समय हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता और है कि यहाँ अंशुज विवाह होते हैं, प्रतिदिन होते हैं, इसलिए नव दंपति, विवाहित और उनके परिवारों के लोग भी आते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रतिदिन शाम के समय काफ़ी भीड़ रहती है। ये सीरियल बम कांड था। एक ही समय में एक साथ 2 स्थानों पर बम विस्फोट हुआ और एक स्थान पर बिना विस्फोट हुआ बम बरामद हुआ था। 16 निर्दोष लोगों की जाने गई थी। ये जो प्रेजेंट मुकदमा था, मैंने पहले भी बताया कि उसमें 7 लोगों की जाने गई हैं। 76 लोग अपंग हुए हैं, घायल हुए हैं और घायलों के परिवारों ने अपने आत्मीयजनों को खोया, उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है। मुकदमा लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने कर दिया था इनकार। वलीउल्लाह पर संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर धमाके की साजिश रचने और आतंकवाद फैलाने का आरोप है। वलीउल्लाह का मुकदमा लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने मना कर दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने ये केस गाजियाबाद जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था। तभी से ये केस गाजियाबाद स्थित जिला जज के कोर्ट में चल रहा है, जिसमें आज टुंडा को सजाए मौत सुना दी गई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।